विद्या भारती। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं मधेपुरा बीएनएमयू में होने वाले दीक्षांत समारोह की। बीएनएमयू में होने वाले 3 अगस्त को दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर है। 18 जुलाई तक जमा होगा आवेदन। आगामी 3 अगस्त को निर्धारित बीएनएमयू मधेपुरा के चौथे दीक्षांत समारोह की तैयारियां जारी है। कुलपति डॉक्टर आरकेपी रमन ने सभी पदाधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों से इसमें सहयोग की अपील की है। दीक्षांत समारोह को बनाना है शानदार। कुलपति ने कहा है कि दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण पर्व है। हम सबों को मिलकर इस पर्व को शानदार एवं यादगार बनाना है। उन्होंने बताया है कि वे वर्ष 2020 से ही दीक्षांत समारोह आयोजित करने की सोच रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के खतरों के कारण वर्ष 2020 एवं 2021 तक ये समारोह नहीं हो सका। संप्रति महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने कृपा पूर्वक 3 अगस्त 2022 को चतुर्थ दीक्षांत समारोह आयोजित करने की सहमति प्रदान की है। यह विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। कुलपति स्वयं कर रहे हैं निगरानी। जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु शेखर ने बताया है कि कुलपति स्वयं दीक्षांत समारोह के सभी कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके निर्देशानुसार विभिन्न समितियां अपने अपने कार्यों में लगी हुई है। मुस्तैदी से कार्य करने का निर्देश। उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय में प्रत्येक दूसरे दिन कुलपति की अध्यक्षता एवं दीक्षांत समारोह से संबंधित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। बैठक में समारोह के सफल आयोजन हेतु गठित सभी समितियों के संयोजक एवं सचिव प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि दीक्षांत समारोह को लेकर पूरी मुस्तैदी से कार्य करें और किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं लें। सौंदर्यीकरण का कार्य जारी रहेगा। मधुबनी पेंटिंग लगेगी। उन्होंने बताया है कि दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय परिसर की साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। दीक्षा मंच पर मधुबनी पेंटिंग लगाने और मंच को खूबसूरत फूलों से सजाने का निर्णय लिया गया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति के स्वागत एवं सम्मान में जगह जगह तोरण द्वार लगाया जाएगा। होगी पूरी परिसर की सीसीटीवी से निगरानी। उन्होंने बताया है कि कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के सहयोग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी से ही पूरे परिसर की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। समारोह के दिन दीक्षा स्थल पर सीसीटीवी की विशेष व्यवस्था की जाएगी। निकलेगी विद्युत शोभा यात्रा। उन्होंने बताया है कि दीक्षांत समारोह का मुख्य आकर्षण विद्युत शोभा यात्रा होगी। इसमें राज्यपाल सह कुलाधिपति सहित अन्य गणमान्य अतिथि एवं प्रतिभागी विशेष रूप से भाग लेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी पीला मालविया पगड़ी। उन्होंने बताया है कि सभी अतिथियों एवं सभी प्रतिभागियों को विश्वविद्यालय द्वारा पीला मालविया पगड़ी, लाल बॉर्डर वाला विश्वविद्यालय के मोनोग्राम अंकित पीला अंग वस्त्र उपलब्ध कराया जाएगा। छात्रों को खादी कपड़े में सफेद कुर्ता एवं पजामा या उजली धोती एवं उजला कुर्ता स्वयं बनाना है। छात्राओं के लिए खादी सलवार, लेमन येलो कुर्ता या खादी की साड़ी लाल बॉर्डर के साथ लाल ब्लाउज स्वयं बनवाना है। 18 जुलाई तक होगा आवेदन। उन्होंने बताया है कि दीक्षांत समारोह में भाग लेने हेतु आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई सोमवार तक निर्धारित है। आवेदक समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ संबंधित विभाग महाविद्यालय से अग्रसारित कराकर निर्धारित शुल्क के साथ शुल्क काउंटर पर जमा कराया जा सकता है। MA, MSc एवं MCOM हेतु 1200, MLIAS एवं MED हेतु 1500, PhD हेतु 2000 तथा MSc एवं MD हेतु 4000 शुल्क निर्धारित किया गया है। PG एवं PhD वालों को मिलेगी उपाधि। उन्होंने बताया है कि चतुर्थ दीक्षांत समारोह में स्नातकोत्तर स्तर के वैसे विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जिनका परीक्षा फल दिसंबर 2019 के बाद प्रकाशित हुआ है। इनमें स्नातकोत्तर सत्र 2018
एवं 2019, एमडी एवं एमएस 2020, एमएलआईएस 2019-20, एमएफ 2017-19, 2018-20 एवं 2021-19 तथा 14 दिसंबर 2019 से अद्यतन पीएचडी डिग्री उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों के नाम शामिल हैं। धन्यवाद।